माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे 16-17 के आम बजट पर बोलने का समय दिया है, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करती हूं। साथ साथ अपने वित्त मंत्री माननीय अरुण जेटली जी का भी आभार व्यक्त करती हूं, जिन्होंने बहुत ही अच्छा आम बजट प्रस्तुत किया है। मैं आज सदन में अपने लोकसभा स्पीकर मैडम को आभार व्यक्त करती हूं, जिन्होंने देश के कोने कोने से महिला जनप्रतिनिधियों को बुलाकर दिल्ली में महिला सम्मेलन कर महिलाओं के मान सम्मान स्वाभिमान तथा शिक्षा अधिकार के प्रति उनको आगे बढ़ाने का काम किया था। माननीय सभापति महोदय, मैं कहना चाहती हूं कि एक काम तो बहुत पहले होना चाहिए, किंतु महिलाओं के लिए शिक्षा का दरवाजा बंद था, किंतु एक कानून बनाई गई थी, उस कानून में लिखा हुआ था स्त्री शूद्रो विद्यानाध्यताम, स्त्री और शूद्रों को शिक्षा देना ज्ञान देना नहीं चाहिए। लेकिन मैं उन महापुरुषों को प्रणाम करती हूँ जिन्होंने महाराष्ट्र के पूना में जन्मे महात्मा ज्योतिबाराव फूले अपनी पत्नी को शिक्षित करके विद्यालय की स्थापना करके सावित्री बाई फूले जी तमाम कठिन परिस्थितियों के झेलते हुए उन्होंने महिलाओं को बालिकाओं को शिक्षा देने का काम किया। माननीय सभापति महोदय, माननीय सावित्री बाई फूले जिसे प्रेरणा लेकर के महिलाएं मातृशक्ति पंच से लेकर प्रधानमंत्री तक राष्ट्रपति के कुर्सी तक पहुंचने का काम किया है। यही नहीं, मैं आज सदन के माध्यम से माता सावित्री बाई फूले जी के चरणों में नमन करते हुए मैं मांग करना चाहती हूं कि उनके नाम पर देश हर उनके जन्मदिन पर छुट्टी घोषित की जाए और उनके नाम पर महिला शिक्षा दिवस मनाने की मैं मांग करती हूं। यही नहीं, मैं सदन को अवगत कराना चाहती हूं कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी यदि भारत के संविधान में महिलाओं को आरक्षण की व्यवस्था नहीं दिए होते तो आज महिलाओं को यहां तक पहुंचने का मौका नहीं मिला होता। यही नहीं, इसी सदन में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने उस पन्ने को फाड़कर फेंक दिया था जिसमें लिखा हुआ था स्त्री शूद्रो विद्यानाध्यताम, स्त्री शूद्रों को ज्ञान देना नहीं चाहिए, किंतु बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने लोकसभा में महिला कोड बिल पास करा करके महिलाओं को अधिकार दिलाने का काम किया था। आज मैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के कृत्यों का नमन करती हूँ जिनके बदौलत महिलाओं को आगे बढ़ने का मौका मिला, पंच से लेकर प्रधानमंत्री राष्ट्रपति तथा यही नहीं महिलाओं को कार्यपालिका न्यायपालिका विधायिका में जो उनको आगे बढ़ने का मौका मिला है यह बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बदौलत मिला है। इसलिए मैं आज की तारीख में मैं सभापति महोदय मैं कहना चाहती हूं कि आज 16-17 के आम बजट पर चर्चा हो रहा है। आज इस आम बजट में हमारे वित्त मंत्री माननीय अरुण जेटली जी ने जो बजट लेकर के आए हैं जनहित में समाज हित में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पिछड़ी जाति महिलाओं को बच्चों को सबकी चिंता करते हुए जो उन्होंने बजट पेश किया है, मैं अपने देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी का मैं आभार व्यक्त करती हूँ जो गरीबी में पल करके गरीबी को देखते करके गरीबों को देखते हुए जो उन्होंने बजट बनवाया है और माननीय बजट पेश जो कराया है, इसके लिए मैं अपने तहे दिल से अपनी तरफ से अपने क्षेत्रवासियों की तरफ से देशवासियों की तरफ से मैं उनका आभारी हूँ। और मैं कहना चाहती हूँ कि जो उन्होंने बजट पेश किया है, चाहे वो जनधन योजना हो, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे वो मुद्रा योजना हो, चाहे वो सिंचाई योजना हो, चाहे सुकन्या योजना हो, चाहे पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ बेटी की योजना हो, चाहे किसान कल्याण योजना हो, चाहे स्वास्थ्य शिक्षा योजना हो, चाहे कौशल विकास योजना हो, तमाम योजनाओं को लागू करके जो अनुसूचित जात अनुसूचित जनजात पिछड़ी जात अन्य समाज के समाज वर्ग के लोगों जो कमजोर हैं लाचार हैं जिनको उन्होंने ये रोजगार देने का काम किया है उनको आगे बढ़ाने का काम किया है, मैं उनका आभार व्यक्त करती हूँ। मैं ये कहना चाहती हूँ माननीय सभापति महोदय कि बाबा की माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो बजट पेश किया है इसको कांग्रेस पार्टी के लोग राज्यसभा में विरोध करते हैं लोकसभा में विरोध करते हैं, मैंने की कांग्रेस पार्टी के लोगों से मैं पूछना चाहती हूँ कि देश 68 साल आजादी के बाद 50-55 साल तक
कांग्रेस पार्टी ने इस देश में राज किया है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के लोगों ने हमारे देश के समाज के लोगों को अनुसूचित जाति के, मैं अनुसूचित जाति की हूँ, महिला हूँ, मैं बार बार नहीं बोलती, मुझे बोलने का अवसर दिया जाए। मैं आपसे आग्रह करना चाहती हूँ, मैं कहना चाहती हूँ सभापति महोदय कि 50-55 साल तक इस देश में कांग्रेस पार्टी ने राज किया है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के लोगों ने हमारे समाज के लोगों को क्या दिया? उनको एक आशा थी कि जब हमारा देश आजाद हो रहा था, आजादी में गरीब, अनुसूचित जात, पिछड़ी जात, अल्पसंख्यक, अनुसूचित जात, पिछड़ी जात, जनजात, अन्य समाज के लोगों ने भी अपने को बलिदान होकर के देश को आजाद कराने का काम किया था। उनको भी एक आशा था कि हमारा देश आजाद होगा तो हम भी आजाद होंगे, हमको भी 2 जून की रोटी मिलेगी, तन पर कपड़ा होगा, रहने के लिए मकान होगा, खेती के लिए जमीन होगी। लेकिन बड़ी दुख के साथ कहना पड़ता है कि आजादी के 8 साल बीत जाने के बाद आज भी 30% लोग गुलामी की जंजीरों में जकड़े हैं, जिनकी दशा और दिशा में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। इस देश में हमारे अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात, पिछड़ी जात, सामान्य जाति के जो कमजोर समाज के लोगों हैं, उनको क्या दिया? मुर्गी पालन के नाम पर कर्जा, बकरी पालन के नाम पर कर्जा, सुअर पालन के नाम पर कर्जा, भेड़ पालन के नाम पर कर्जा, गधा पालन के नाम पर कर्जा दे करके उनका वोट लेती रही, उनका हमारे देश में राज करती रही। यही नहीं मान्यवर, मैंने अपने विषय में बात नहीं रखी, मान्यवर अध्यक्ष सभापति महोदय मुझे बोलने का समय दिया जाए। मैं अपने क्षेत्र के बारे में अभी मैं कुछ नहीं बोल सकी हूँ, मुझे बोलने का समय दिया जाए। मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ, माननीय अध्यक्ष, माननीय सभापति महोदय, मैं कहना चाहती हूँ कि हमारे अनुसूचित जात और जनजातियों की आज भी वही दशा है कि मरे जानवर का चमड़ा छील करके, गंदे नालियों की सफाई करके, सर पर मैला ढो करके अपने 2 जून की रोटी चलाने के लिए मजबूर है। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने भारत के संविधान में अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात, पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था नहीं हुआ होता तो आज हमारे समाज की दशा वही होती। इसके साथ साथ मैं कहना चाहती हूँ कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के जितना सब कुछ करने के बावजूद एक कांग्रेस पार्टी के लोग हमेशा बाबा साहब को हीन भावना से, नीच भावना से देखा करते थे। देश से 50-55 साल की कार्यकाल के बाद भी बाबा साहब के एक भी प्रतिमा पूरे देश में नहीं लगाया। हमारे महापुरुषों का सम्मान एक कांग्रेस पार्टी कभी नहीं किए है। यदि कोई करने का काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है, नरेंद्र भाई मोदी जी ने किया है। नरेंद्र भाई मोदी जी जब से देश के प्रधानमंत्री बने हैं, तब से हमारे महापुरुषों के, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जहाँ विदेश में पढ़